अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स करवाए थे। इसके बाद आपने एक्सरसाइज वर्क करना है। एक्सरसाइज वर्क आपका पेज नंबर 18 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपने बी का जो पहला पार्ट है मैच द फॉलोइंग, ये कॉपी पर करना है। इसमें आपने पहले पूरी चैप्टर की रीडिंग करनी है, देन इसके बाद इसके आंसर्स करने हैं, मैच करना होगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है इन द इवनिंग्स, तो इनका इन द इवनिंग्स का क्या हो जाएगा? दे सेट डाउन टू डिनर, शाम के औकात में वो रात के खाने के लिए बैठा करते थे। इसी तरह से आपने बाकी सब मैच करने होंगे। पार्ट टू में फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग, आपने इसके आंसर्स करने होंगे रीडिंग करने के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ए का है अ पर्सन हु मेक थिंग्स आउट ऑफ वुड, जो शख्स लकड़ियों की चीजें बनाता है वो क्या कहलाता है? इसका आंसर है कारपेंटर। इसी तरह से अपने बाकी आंसर्स करने हैं। सी में वर्ब्स दिया हुआ है, वर्ब्स को डिफाइन किया हुआ है। वर्ब बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ब। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ वर्ब इज अ वर्ब विच शोज एन एक्शन। किसी भी काम करने के अमल को हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईट खाना खाना, ड्रिंक पानी पीना, स्लीप सोना, दीज ऑल आर कॉल्ड वर्ब्स। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है। नायला स्क्रीम्ड व्हेन शी सॉ द स्नैक, नायला खौफ ज्यादा हो गई जब उसने सांप को देखा। तो यहाँ पर स्क्रीम्ड और सॉ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि ये दोनों क्या है? वर्ब है। ठीक है, स्क्रीम्ड भी वर्ब है और सॉ भी वर्ब है। इसी तरह से आपने जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है इसमें अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग, इस पैराग्राफ में आपने जो वर्ब्स होंगी उनको अंडरलाइन करना होगा। जैसे यहाँ पर नायला सेट बिसाइड द रोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सेट क्या है? वर्ब है। ये आपको कॉपी पर करना होगा, अंडरलाइन करने होंगे वर्ब्स वर्ब्स के। इसके बाद आपने करना है इसके टू में चूज अ वर्ब फ्रॉम अ बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड यूज ईच वर्ब ओनली वंस। यहाँ पर ये कहा हुआ है कि आपको फाइव वर्ब्स दिए हुए हैं, प्ले ड्रिंक वॉच कैच रेस्ट। आपने ये वर्ब्स नीचे जो ब्लैंक्स दी हुई हैं इनमें यूज करने होंगे, लेकिन आपने हर वर्ब को एक ही बार यूज करना होगा। कोई भी वर्ब दो बार रिपीट नहीं होगा। जो गिवन वर्ब्स हैं उनको ट्रांसलेट कर देती हूँ मैं। प्ले मीन्स खेलना, ड्रिंक मीन्स पीना, वॉच मीन्स देखना, कैच मीन्स पकड़ना एंड रेस्ट मीन्स आराम करना। ए में कहा हुआ है दे डैश फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून, तो हर आफ्टरनून हर दोपहर में वो 1 घंटा क्या करते हैं? यहाँ पर आ जाएगा रेस्ट, आराम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सुइटेबल वर्ब होगा वो यहाँ पर रेस्ट है, क्योंकि दोपहर में 1 घंटा जो है आराम किया जाता है, तो यहाँ पर हम रेस्ट यूज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है रेस्ट, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक रूटीन बताई जा रही है कि वो जो है वो हर दोपहर में जो है वो 1 घंटा आराम करते हैं, तो एक रूटीन की बात हो रही है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। बी इज जैसन एंड मैरी डैश विद योर फ्रेंड्स इन द गार्डन नाउ, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है नाउ। अब इस वक्त तो गार्डन में दोनों क्या कर रहे होंगे, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब सुटेबल होगा? प्ले, खेल रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर आर प्लेइंग लिखा हुआ है बिकॉज जैसन एंड मैरी वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, सो वी यूज आर इंस्टीड ऑफ इज। अगर यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही होती तो हम इज यूज करते, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स तो यहाँ पर आर यूज होगा। ओके, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और उसके साथ प्ले के साथ आई एन जी लगा दिया, आर प्लेइंग। प्ले फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसन और मैरी अपने दोस्तों के साथ इस वक्त गार्डन में खेल रहे हैं नाउ, तो इसलिए अभी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज होगा। नेक्स्ट इज सारा डैश अ होल ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट नाइट। अब यहाँ पर ग्लास ऑफ मिल्क की बात की जा रही है, तो आपको पता है कि जो आपको गिवन वर्ब्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वर्ब यूज करेगा, यूज सुटेबल करेगा, वो है ड्रिंक। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ड्रैंक। ड्रैंक क्यों यूज हुआ है यहाँ पर? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, के जो सारा है वो पूरा एक ग्लास जो है वो दूध का पीती है, उसने पिया लास्ट नाइट, ठीक है, सोने से पहले, तो लास्ट नाइट की बात हो रही है,
ठीक है, पास्ट की बात हो रही है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, एंड ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंग, एंड थर्ड फॉर्म है ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंग ड्रंक, तो यहाँ पर ड्रैंक यूज होगा। नेक्स्ट इज शी डैश टेलीविजन एवरी इवनिंग, शी वॉचेज आएगा क्योंकि एक रूटीन बताई जा रही है कि वो हर शाम में टीवी देखती है, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉचेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वॉच के साथ ES हम उस वक्त लगाते हैं जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं और ही शी इट का जिक्र हो रहा होता है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाते हैं, डैट्स वाई यहाँ पर वॉच के साथ ES यूज किया है। अमीन डैश अ कोल्ड लास्ट वीक बट इज बेटर नाउ, अब लास्ट वीक की बात कर रहे हैं कि लास्ट वीक में अमीन को बुखार हुआ था, अब वो बेहतर है, तो लास्ट वीक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ कैच इज कॉट, कैच पकड़ना, कॉट कॉट। ये आपको काम अपनी कॉपी में करना होगा। डी इज जस्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये जस्ट आपको वर्ड्स बोलने होंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, तो ये जस्ट आपका ओरल वर्क है। डी जो है एक्सरसाइज वो आपने कॉपी में नहीं करना। नेक्स्ट इज थ्री में आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, ये असाइनमेंट आपने कंप्यूटर पेपर पर करना है, कंप्यूटर पेपर पर आप करेंगे असाइनमेंट, ये वाला कॉपी पर नहीं करेंगे। बेसिकली इसमें क्या कहा गया है, डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, वेयर डू दे लिव, व्हाट डिड दे डू टू अर्न देयर लिविंग, डू दे स्टिल वर्क, थिंक अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन टेल द अदर्स इन योर क्लास अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दैम। सो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादा और दादी हैं, और वो कहाँ रहते हैं, क्या अभी भी वो कमा रहे हैं और अपनी कमा कर अर्न करके अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, क्या वो अभी भी वर्क कर रहे हैं। आपने अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोचना है कुछ मिनट्स के लिए और उसके बाद उनको डिस्कस करना है, तो आप ये जो बेसिकली ऐसे हो गया, ये आपने अपने एज अ असाइनमेंट करना होगा कंप्यूटर पेपर पर। इसके अलावा जो आपने एक्सरसाइज वर्क करना होगा वो मैं